नमस्ते जी सभी को, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। और हम वीडियो बना रहे हैं भगवान शिव के ऊपर। हम भगवान शिव के बारे में हर रोज़ एक नई वीडियो में एक एक अलग अलग आयाम को जानने की कोशिश कर रहे हैं और शिव तत्व को समझने की कोशिश कर रहे हैं अपनी इस तुच्छ बुद्धि के साथ। शिव, जैसा कि हमने जाना है कि शिव जो है एक तत्व है। शिव जो है उस प्रकार का शिव का स्वरूप नहीं है। वो जो स्वरूप हमें दिखाया गया है या जो मूर्ति के रूप में जो हम पूजा करते हैं, वो प्रतीक है। मतलब उसकी कुछ सिग्निफिकेंस है, उससे कुछ शिक्षा हमें दी जा रही, ना कि ये कहा जा रहा है कि जो मूर्ति है वो शिव नहीं है। वो मूर्ति जो है वो हमारे अंदर बैठे शिव का प्रतीक है, कि उस वो एक अवस्था का प्रतीक है। कि जब वो जो अवस्था है, वो जो बाहर हमें दिखाई जा रही है मूर्ति के रूप में, वही हम खुद भी हो सकते हैं। हमारे अंदर की वो संभावना को दर्शाती है वो जो शिव की मूर्ति है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि शिव जो है, लास्ट वीडियो में जाना था शिव के अवतार जो हैं वो विभिन्न रूप में हुए हैं, लेकिन अभी आज हम जानेंगे शिव जो है एज ए टीचर, शिव जो है एक शिक्षक के रूप में भी इस पृथ्वी पर आते रहे हैं अलग अलग रूप में। तो उस बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले जो योग का ज्ञान जो दिया गया था, वो जो शिव के द्वारा ही दिया गया था। और योग से, योग के ज्ञान से तात्पर्य मेरा कोई सिर्फ योगासनों के ज्ञान से नहीं है, या जो हम आजकल मॉडर्न योगा करते हैं इस योगा की बात नहीं है। जो एंशियंट जो योग है, जब शुरू हुआ योग, योग का मतलब जब मनुष्य के अंदर एक ये कनेक्शन की एक भावना पैदा हुई कि कहाँ से हम पैदा हुए हैं, कहाँ कौन सा हमारा स्थान, उद्गम स्थान कौन सा है, सोर्स क्या है हमारा, तो वो जो उस समय जो इच्छा पैदा हुई, तब शिव ने ही उस इच्छा को, उस इच्छा के होते हुए उस शिक्षा को मनुष्य को दिया है अलग अलग रूप में। तो उन कुछ अवतार के या उन शिव के उस शिक्षक रूप के बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहला तो जो अवतार जो योग शास्त्रों में बताया गया है, वो गुरु मत्स्येंद्र नाथ के रूप में बताया गया है। गुरु मत्स्येंद्र नाथ के रूप में जो है शिव जो है प्रकट हुए, और उन्होंने ये तंत्र का ज्ञान और हठ योग का ज्ञान जो है वो इस मनुष्य जाति को दिया। गुरु मत्स्येंद्र नाथ जो है सबसे बड़े गुरु हुए हैं। और कथा ये है कि भगवान शिव जो है माँ पार्वती को पूरा ज्ञान दे रहे थे, और वो ज्ञान क्या था, वो यही ज्ञान था, वो आत्मज्ञान, खुद से जुड़ने का विज्ञान, वो जो आध्यात्मिक शिक्षा दे रहे थे। और वो किसी मछली ने सुना, और उस मछली से जो संतान पैदा हुई, वो क्योंकि अब मछली सुनने के बाद, उस ज्ञान को सुनने के बाद वो अमर हो गई। तो और डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की कहानियाँ उसमें बताई गई हैं। वो कहानियाँ जो हैं वो सिर्फ एक प्रकार से काल्पनिक, आप उनको बोल सकते हैं, वो एक शिक्षा को देने का एक माध्यम है। कहीं कोई कहानी का कोई और रूप होगा, कहीं कहा जाएगा कि उस मछली को श्राप मिल गया, कहीं कहा जाएगा कि मछली जो है प्रेग्नेंट थी तो उसके पेट में जो अंडा था उसमें वो पूरा ज्ञान आ गया। तो उस चीज़ के चक्कर में हमें नहीं पड़ना, हमें ये समझना है कि वो जो ज्ञान दिया जा रहा था, वो पूरी ऊर्जा, वो पूरी शिक्षा जो है वो फिर गुरु मत्स्येंद्र नाथ के रूप में जो है इस पृथ्वी पर आई। और वो भगवान शिव का ही, उस शिव तत्व का ही ज्ञान का जो रूप है, उस रूप में उन्होंने पूरे हठ योग का, तंत्र का ज्ञान इस मानवता को दिया। गुरु मत्स्येंद्र नाथ के बाद गुरु गोरखनाथ हुए। उसके अलावा भी जो जिसको हम शिव मानते हैं, यानी जिनको जो योगी शंकर हैं या जिनको आदि योगी कहा गया है, वो भी विभिन्न कथा कहानियों में हमें सुनने को मिलता है कि उस रूप में भी जो भगवान शिव जो हैं, या शंकर के रूप में भी, वो एक योगी के रूप में भी इस पृथ्वी पर आए और उन्होंने अपना ज्ञान दिया। इसके अलावा गुरु गोरखनाथ जो हैं वो मुख्य हुए। गुरु मत्स्येंद्र नाथ के बाद गुरु गोरखनाथ हुए, जिन्होंने हर धर्म में, और जब मैं शिव की बात कह रहा हूँ तो यहाँ हम किसी एक धर्म की बात नहीं कह रहे हैं, वही शिव बुद्ध के रूप में भी ज्ञान देने के लिए आए हैं। वही शिव विभिन्न धर्म संप्रदायों में जो माने जाते हैं, जो महापुरुष हैं, उनके रूप में भी वो शिव तत्व ही ज्ञान हमें प्रकट करता है, एक शिक्षक के रूप में हमें ज्ञान देता है। तो जब हम किसी अवतार की बात करते हैं, तो अवतार का मतलब कोई एक सिर्फ जो हमने पढ़ा है वही अवतार नहीं, जो हमें नहीं पढ़ा, जो हमने नहीं पढ़ा, या जो हमारे बिलीफ सिस्टम के, हमारे धर्म के, हमें लग रहा है आज कि ये नहीं है, लेकिन वो जो ज्ञान प्रकट किया वो किसी भी महापुरुष के रूप में, वो वहाँ उस शिव की तत्व की ऊर्जा से ही जुड़ के ही उस
उस सामान्य मनुष्य ने वो ज्ञान मनुष्य को दिया है, मनुष्य जाति को दिया है अपने भले के लिए। और उस भले का मतलब जो है, एक जब मनुष्य जाति के कल्याण की बात आती है तो कल्याण का मतलब ये नहीं है कि कुछ चमत्कार दिखाए। कल्याण का मतलब, मनुष्य जाति का कल्याण कब होगा? मनुष्य जाति का कल्याण तब होगा जब उसके अंदर की सफरिंग्स, उसके अंदर के दुख समाप्त होंगे। जो आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुख हैं वो समाप्त होंगे। और वो किस चीज़ से समाप्त होंगे? वो समाप्त होंगे योग से। वो योग हठ योग हो सकता है, वो योग भक्ति योग हो सकता है, वो योग कर्म योग, राजयोग, डिफरेंट प्रकार के जो योग हैं वो हो सकते हैं। लेकिन योग ही का ही एकमात्र मार्ग ऐसा है जो उन दुखों को समाप्त कर सकता है। अगर बुद्ध ने भी ज्ञान प्राप्त किया तो उस योग के मार्ग को के द्वारा ही उस शिव की अवस्था को, शिव तत्व को प्राप्त किया और फिर उस ज्ञान को आगे प्रकट किया। ऐसे ही गुरु गोरखनाथ ने, गुरु मत्स्येंद्रनाथ ने, यानी शिव के अवतार आप खुद भी हो सकते हैं। शिव ने कोई डिसाइड नहीं किया कि इस व्यक्ति को ही अवतार बनाना है। शिव तो अवेलेबल हैं, शिव अवेलेबल हैं हमारे अंदर, हमारे चक्रों में। हमारे तीन जगह मुख्य रूप से शिव की के स्थान बताएं। आज्ञा चक्र में शिव का स्थान है ज्ञान के रूप में, हृदय में शिव का स्थान है प्रेम के रूप में, और हमारे नीचे के चक्रों में शिव का स्थान है कुंडलिनी ऊर्जा के रूप में, और शक्ति के रूप में, जो शरीर की शक्ति है। उसी ऊर्जा के, उसी शिव को हम अपने अलग अलग तरीके से जागृत कर सकते हैं। अगर कहीं भक्ति योग जाग रहा है आपके अंदर तो वही शिव प्रेम के रूप में जाग रहे हैं। जहाँ बुद्ध की तरह बुद्धि जागृत हो गई है वहाँ पर वो शिव जो है ज्ञान के रूप में प्रकट हो रहे हैं। कहीं पर वो शिव हठ योग के माध्यम से जब अभ्यास कर रहे हैं तो वो कुंडलिनी के रूप में, वही शिव की ही ऊर्जा यानी शक्ति और शिव का अंदर मिलन होता है, तो वही ऊर्जा ऊपर होके अलग अलग रूप में ट्रांसफॉर्म हो रही है। यही पूरी कुंडलिनी समझो, सात चक्र समझो और इनकी अवेकनिंग समझो, यही जो पूरा प्रोसेस है विभिन्न रूप से हो रहा है, यही ज्ञान है। और वही हम स्वयं के होने को, यानी स्वयं के उस शिव अवस्था को प्राप्त कर रहे हैं। यही शिव को प्राप्त करना है। और अगर आप समझें कि अगर आपका मानना ऐसा हो कि हम कोई साधना कर लेंगे, हम कोई मंत्र जाप कर लेंगे, कुछ दान दक्षिणा कर देंगे, कुछ जल चढ़ा देंगे, कुछ ऐसा कर देंगे रिचुअल, और शिव हमारे सामने खड़े हो जाएंगे जैसे धारावाहिक में खड़े हो जाते हैं, तो ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है। शिव जब आपके सामने प्रकट होंगे तो वो प्रकट होंगे ध्यान की अवस्था में, और प्रकट होने का मतलब हो वो आपको अपने ही स्वरूप का आभास होगा अपने अंदर ही। हाँ, शुरुआत में वो ध्यान के, अगर आपने बहुत धारणा की है शिव तत्व की, आपने शिव महापुराण पढ़ लिया है, शिव से रिलेटेड धारावाहिक देख लिए, पिक्चर का ध्यान कर लिया, तो फिर वो ध्यान में आपको दर्शन दे सकते हैं, लेकिन वो आपकी कल्पना मात्र ही होगी। जिस चीज़ की हम कल्पना करते हैं तो हमें स्वप्न में वो दिखाई देती है। तो जो हमें ध्यान के दौरान अगर शिव का एक स्वरूप दिख जाता है तो वो शिव का वैसा स्वरूप है, इसलिए नहीं, हमारा माइंड उस तत्व को समझ रहा है उस रूप में, तो इसलिए हमें उस रूप की के दर्शन होते हैं। तो शिव तत्व को जानना है अपने अंदर असली रूप में, निराकार रूप में। हमने एक वीडियो में जाना था कि जिसको हम शिव मानते हैं वो शंकर हैं, वो हमारे जैसे मनुष्य हैं जिन्होंने अपनी उस अवस्था को प्राप्त किया। उससे ऊपर जो परम शिव हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश जिसको कहते हैं, जिनका काम डिस्ट्रॉय करना, विलय करना है। उसके अलावा ऊपर हैं सदाशिव जिनकी पांच शक्तियां हैं, उससे ऊपर हैं पराशिव यानी सुप्रीम ब्रह्म जिसको कहा है, जिसका कोई अंश नहीं है, जिसके पास शक्ति भी नहीं है, जो सुप्रीम है। उस शिव को हमें टारगेट रख के हमें ध्यान साधना अभ्यास करना चाहिए। और दो अभ्यास मैंने अभी तक बताए हैं। पहला अभ्यास बताया मैंने ओम का उच्चारण। जब कोई ओम का जाप करता है, वो किसी भी धर्म संप्रदाय का कुछ भी हो, तो वो उस शून्यता के भाव को प्राप्त करता है। माइंड उसका थीटा और बियॉन्ड थीटा यानी तुरीय अवस्था को प्राप्त करना शुरू हो जाता है अभ्यास करने से। तो वहाँ उस शिव को अनुभव किया जा सकता है। उस शून्यता से ही ध्यान घटित होता है, उसी से समाधि घटित होती है, और उस समाधि में ही शिव को प्राप्त किया जाता है। वो समाधि आपको भाव के माध्यम से हो, वो समाधि आपको ज्ञान के माध्यम से हो, किसी मंत्र जाप के माध्यम से हो, किसी विजुलाइजेशन से हो, इसके अलावा और भी हठ योग के बहुत सारे अभ्यास हैं उनके द्वारा हो। तो ओम का अभ्यास, प्लस दूसरा मैंने बताया था सेवा भाव। जब हम सेवा करते हैं तो कर्मों का जो आवरण है वो शांत होता है हमारा, तो उससे भी हमारी जो पात्रता है उस अवस्था को प्राप्त करने की वो बढ़ जाती है। तो सेवा प्लस ध्यान का अभ्यास, और ध्यान में भी ओम का
अभ्यास साथ में साइलेंस को ऐड करके आप प्रैक्टिस करेंगे तो शिव तत्व को प्राप्त कर सकेंगे। तो वो जो शिक्षक के रूप में हम शिव को जानते हैं, वो शिक्षक हम खुद भी हो सकते हैं, वो अवतार हम खुद भी हो सकते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी ही बात की गई है। और अभी हमें लग रहा है हम लिमिटेड हैं, लेकिन जब शिव तत्व से हम जुड़ जाते हैं, जितने भी बड़े महापुरुष हुए हैं, एक समय पर अपने आप को वो एक बाउंड्री में पा रहे थे, वो एक हमारी तरह ही कष्ट में थे, लेकिन जब उस अवस्था को प्राप्त किया तो उन्होंने लाखों लोगों को सिखाया है, बिना किसी सुख सुविधा के होते हुए, बिना किसी फाइनेंशियल कोई बैकग्राउंड होते हुए, बिना किसी सोशल मीडिया के भी उन्होंने लाखों लोगों को सिखाया है। कारण क्या है? क्योंकि उन्होंने अपने असली स्वरूप को समझ लिया, उन्होंने अपने असली उस रूप को जान लिया। तो वही शिव हमारे और आपके अंदर है, इसी शिव की तरफ हम अग्रसर हों। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबका धन्यवाद, सबको नमस्ते, ओम नमः शिवाय।